Hello guys and welcome back to the Home Academy. In this video, I am going to share with you the some facts regarding to the scientific world and inventions in India during the year 2017. So do share my videos and subscribe our channel to get all the videos and visit our blog also, homeacademyblog.blogspot.com to get PDFs and other materials. So the first is about the satellite. You know, in 2017, Kalam Sat, a satellite named after APJ Abdul Kalam, was made by Rifa Sharok. Rifa Sharok is an 18-year-old from Karur in Tamil Nadu. He scripted history in the June after NASA sent a 3D printed satellite he helped build into the space. The Kalam Sat, named after APJ Abdul Kalam, is the world's smallest satellite with a weight of 64 grams. So, इसमें आपको क्या बात याद रखनी है? एक तो सैटेलाइट का नाम कलाम सेट है, दूसरा कि ये कब लॉन्च की गई और किसने लॉन्च की? नासा ने की थी, ठीक है? दूसरी बात, रिफा शरोक जो इस लड़की का नाम था, रिफा शरोक, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, वो 18 इयर्स की थी। तीसरी बात, इसमें इसका जो वेट था सैटेलाइट का, वो 64 ग्राम था। सबसे कम वेट की सैटेलाइट जो आज तक लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की है रिफा शरोक ने, जो कि 18 इयर्स की थी। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशन थी यहाँ पर, एनर्जी एफिशिएंट कार की। तो एनर्जी एफिशिएंट कार जो थी, यह टीम पंथीरा ने बनाई थी विद देयर एरिस 2.0। उस कार का जो माइलेज था वो 300 किलोमीटर पर लीटर था। तो क्या था, इन मार्च दिस ईयर अ टीम ऑफ 15 गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन वॉन ऑनर्स एट द शेल इको मैराथन इन सिंगापुर फॉर देयर क्रिएशन एंड एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल टोटली टू बी ओनली ऑल वुमेन टीम फ्रॉम एशिया। टीम पंथीरा कंप्राइजिंग 15 इंजीनियर्स एज बिटवीन 18 to 21 won the Perseverance and Spirit of the Event Award for Eris 2.0, a three-wheeled vehicle with a mileage of 300 km per liter. तो ये three-wheeled vehicle था जो कि 15 engineers ने बनाया था, जिनकी age थी 18 से 21 तक, और उस team का नाम याद रखना चाहिए आपको, team Panthera थी, ठीक है, team Panthera, और ये सारी के सारे इसमें women थी। इन्होंने जो व्हीकल बनाया था वो एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल था, 300 किलोमीटर पर लीटर उसकी जो स्पीड थी, और उसके अलावा ये थ्री व्हील्ड व्हीकल था। एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, आकाश मनोज एक 10th क्लास स्टूडेंट था, उसने बनाया है एक नॉन इन्वेसिव सेल्फ डायग्नोस्टिक साइलेंट हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक को पहले ही डायग्नोस कर सके, ऐसे उसने एक डिवाइस बनाया था। तो पूरा मैं कह देता हूँ, आकाश मनोज एक क्लास 10th स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु हैज डेवलप्ड अ स्किन पैच दैट कैन डिटेक्ट द साइलेंट हार्ट अटैक। हिज स्किन पैच दैट कैन बी अटैच टू द ईयर और द रिस्ट, या तो वो कान में या तो वो रिस्ट में लगाया जाता था, जो कि ये के पहले ही कह देता था कि हार्ट अटैक होने वाला है। इट विल रिलीज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच विल अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन रिलीज बाय द हार्ट टू द सिग्नल अ हार्ट अटैक। तो नाम आपको याद रखना चाहिए, आकाश मनोज था एक क्लास 12th स्टूडेंट, उसने एक प्रोटोटाइप बनाया था जो कि हार्ट अटैक को डायग्नोस करता था। तो प्रोटोटाइप और मॉडल का भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मॉडल जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, प्रोटोटाइप किसी भी मशीन का हम पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं, वो फंक्शन तो करता है मशीन जैसा, बट एक्चुअल मशीन नहीं होती है। मॉडल उसमें यही फ़र्क है, मॉडल सिर्फ स्ट्रक्चर सा होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट या कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटोटाइप में हर कोई मैकेनिज्म होता है पूरा, वो फंक्शन करता है एक्चुअल मशीन की ही तरह। तो जो आकाश मनोज था उसने प्रोटोटाइप ही बनाया था। कोई भी हमको इन्वेंशन करनी होती है, कुछ भी करना होता है, पहले हम उसका प्रोटोटाइप ही बनाया करते हैं, पहले मॉडल, फिर प्रोटोटाइप, फिर एक्चुअल में जो मशीन होती है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक और डिस्कवरी है कि गूगल बनाया गया है फॉर द ब्लाइंड।
जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए गूगल बनाया गया है। तो आनंद टडगार था, आनंद नाम है आनंग टडार्स, गूगल फॉर द ब्लाइंड। तो जी फोर बी इसको नाम दिया गया है गूगल फॉर ब्लाइंड, जी से गूगल्स, फोर से फॉर, बी से ब्लाइंड। तो इसमें क्या होता है, दो अल्ट्रासाउंड सेंसर का यूज़ किया जाता है और एक इंफ्रारेड सेंसर का यूज़ किया जाता है टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड नेविगेट। तो नेविगेशन के काम आता है, जो भी ब्लाइंड पीपल है उनकी नेविगेशन के लिए काम आता है। उसमें दो सेंसर का यूज़ किया गया है, एक तो अल्ट्रासाउंड का सेंसर है और एक इंफ्रारेड का सेंसर है। तो आइडिया कहाँ से उसे आया था ये बनाने के लिए, जो बैट्स होते हैं चमगादड़, जैसे कि वो रात में देख लेते हैं, ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसने ये बनाया था डिवाइस। तो इसको बोलते हैं इकोलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो टडार्स गूगल जो था, रेफर टू G4B, यानी कि गूगल फॉर ब्लाइंड यूजेज इको लोकेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहा है, इकोलेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। अगर ये आ गया G4B क्या होता है, फुल फॉर्म लिखो तो गूगल्स फॉर द ब्लाइंड पीपल। फिर दूसरा ये पॉइंट आ सकता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, इको लोकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जो अनंग तदगार था, ये भी एक छोटा ही लड़का था, ये 11th क्लास का था, 11th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश के रहने वाला था, हैज डेवलप्ड अ पेयर ऑफ ग्लासेस। इसने ऐसी ऐनक बनाई थी टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड नेविगेट हैंड्स फ्री, ताकि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, जो के देख नहीं सकते हैं, वो कुछ डिस्टेंस 2 मीटर तक वो अपना मतलब नेविगेट कर सकते थे। तो उसके अलावा तो वो जो अपनी सराउंडिंग थी, उनके पास जो भी आसपास की चीज़ें थी, वो उनको सेंस करने लगे उस ग्लासेस से। तो अब हम मूव करते हैं, ये तो था स्टूडेंट्स ने क्या क्या अभी इन्वेंशन की थी, क्या क्या रिसर्च हो रही थी। तो अब हम मूव करते हैं कॉलेजेस की तरफ, कंपनीज की तरफ, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ। तो उनमें पहला आता है सूर्यजन सोलर वाटर प्योरीफायर। जी हाँ, सूर्यजन एक रिन्यूएबल कंपनी है, इन्होंने IISc बेंगलोर के साथ मिलकर एक सूर्यजन सोलर वाटर प्योरीफायर बनाया है। तो इसके बारे में मैं कह दूँ, इट इज़ डेवलप्ड बाई IISc बेंगलोर रिसर्चर्स एंड सूर्यजन रिन्यूएबल। दिस ओपन सोर्स ऑफ सोलर वाटर प्योरीफायर कैन ट्रांसफॉर्म वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, बी इट फ्रॉम सी, रिवर, पाउंड, वेल्स और इवन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रेन इनटू द पोर्टेबल वाटर। द लो कॉस्ट डिवाइस कैन ऑल्सो प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन एरियाज वेयर द ओनली सोर्स आर कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक फ्लोराइड और सीवेज। इन दिस डिवाइस इम्प्योर वाटर इज एवोपरेटेड यूजिंग सोलर एनर्जी एंड द वेपर्स आर कंडेंस्ड टू द प्योर वाटर। क्या किया जाता था, जो भी इम्प्योर वाटर है उसे एवोपरेट करते हैं और जो भी हमारे पास वेपर्स है वो कंडेंस हो जाते हैं किसमें, प्योर वाटर में, ऑन ए कोल्ड सरफेस। एक इसमें कोल्ड सरफेस बनाई जाती है नीचे, एक तो कंडेंस किया जाता है एटमॉस्फेयर में, सॉरी एवोपरेट किया जाता है, जो इम्प्योर वाटर है उसे एवोपरेट करा देते हैं, फिर जो बाकी वाटर वेपर बनते हैं उनको बाद में कंडेंस करते हैं कोल्ड सरफेस से। तो दिस लीव्स बिहाइंड बैक्टीरिया, हैवी मेटल, आर्सेनिक फ्लोराइड एंड अदर इम्प्योरिटीज। इट कैन एफेक्टिवली प्रोड्यूस 1.5 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर फ्रॉम 3 लीटर ऑफ द इम्प्योर वाटर डेली। तो 3 लीटर अगर आपके पास इम्प्योर वाटर है उसमें से 1.5 लीटर आपको ये पोर्टेबल वाटर दे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन की मैं बात करूँगा, एवी ग्रीन बैग्स, यानी कि एडिबल ऑयल के बैग्स बनाए गए थे। जनरली आज तक हम प्लास्टिक के बैग को यूज़ कर रहे थे, क्या हुआ जब प्लास्टिक के बैग्स पे बैन लग गया, अब जो है तो अब कैसे मतलब मटेरियल को लिया जाए। तो उस पर एक हमारे पास एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है अश्वंत हेज HEDGE। ही नोटिस डैट इट वॉज अ हार्डशिप फॉर मैनी इंडियंस टू कैरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट। सो पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट हाउ दे वुड कैरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट नाउ। तो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ बैग वर्थ ₹5 और ₹15 टू कैरी अ किलोग्राम ऑफ शुगर से हेज जो था, इनका एंटरप्रेन्योर का नाम था अश्वंत हेज। सो ही डिसाइडेड टू कम अप विद ए सोल्यूशन
डैट वुड बी सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल। तो इसने क्या किया, नेचुरल जो स्टार्च होती है यानी कि जो पोटैटो आलू है या और टोपियोका, इसमें से इसने स्टार्च का इनको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया स्टार्च को, उसका एक कम्बिनेशन बनाया, ठीक है। उस कम्बिनेशन से इसने जो है बैग्स बनाए, तैयार किए। तो वेजिटेबल ऑयल्स निकाला टू मेकअप, उनमें से वेजिटेबल ऑयल निकाला। तो ये जो स्टार्च था इसका, इसमें वेजिटेबल ऑयल को मिक्स किया और कुछ सॉल्यूशन को मिक्स किया होगा, तो वो जो मटेरियल बना उससे वो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लग रहा था, बट वो प्लास्टिक का जैसा नहीं था। देखो, फील जस्ट लाइक प्लास्टिक विद नन ऑफ द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्लास्टिक वेसल। तो ओवी ग्रीन बैग्स विल नेचुरली डिग्रेड इन 180 डेज एंड इफ दे आर सबमर्ज इन वाटर दे डिसअपीयर इन अ डे। तो क्या था, जो ये बैग थे एवीग्रीन बैग, ये 180 डेज में डिग्रेड हो जाएंगे खुद ब खुद, और अगर इनको पानी में डाल दिया तो एक ही दिन लगेगा इनको डिग्रेड होने का, तो भी कोई भी एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है सेल्फ रिपेयरिंग रोड, ऐसी रोड्स जो अपने को खुद ब खुद रिपेयर कर दे, अगर कुछ भी होता है रोड टूट जाती या कुछ हो जाती है तो खुद वो रिपेयर कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। तो किसने की थी, नेम कुमार भांटिया, ये प्रोफेसर थे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, इन जो कि कनाडा में है। तो दे डेवलप्ड अ रोड दैट आर सेल्फ रिपेयरिंग एंड सस्टेनेबल, बिल्ट यूज अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड स्पेशल फाइबर डेवलप्ड एट द UBC। तो UBC जो यूनिवर्सिटी का नाम है, बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो इसमें कंक्रीट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ में जो एक इन्होंने मटेरियल तैयार किया है कंक्रीट के साथ, जो कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, कुछ फाइबर्स है उसके अंदर, तो वो मटेरियल साथ में, तो उनका ये एक मिक्सचर है। तो इससे क्या हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सेल्फ रिपेयरिंग रोड बनी है तो पहली रोड कहाँ पर बनी है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पहली रोड कर्नाटका में ही बनी है, ठीक है, कर्नाटका में, द फर्स्ट सच रोड इन कर्नाटका। दिस रोड इज नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव बट ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर लॉन्गिविटी। तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, पहली रोड कहाँ पर बनी है, तो आप इसके बारे में और कह दूँ कि इसके अंदर मटीरियल जो है उसमें इसने क्या यूज़ किया है। देखिए, अनलाइक द टिपिकल कंक्रीट रोड, जो टिपिकल कंक्रीट रोड होती है जो हमारे यहाँ पर चलती है, जिसमें जो सीमेंट होता है वो एक मेजर कंपोनेंट होता है, क्या होता है मेजर कंपोनेंट, मगर जो बांथियास ने सेल्फ प्रिपेयरिंग रोड बनाई है उसके अंदर 60% फ्लाई ऐश है, क्या है फ्लाई ऐश जो है 60% है, और उसके अंदर सिर्फ 40% सीमेंट है, 40% सीमेंट है और 60% फ्लाई ऐश है। अब ये काम किसे करता है, देखिए जो फाइबर्स इसने यूज़ किए हैं, दे हैव ए हाइड्रोफिलिक नैनो कोटिंग, उनमें कौन सी कोटिंग है, हाइड्रोफिलिक नैनो कोटिंग, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपने शायद केमिस्ट्री में अपने केमिकल साइंसेस में पढ़ा होगा, ठीक है, और नैनो कोटिंग है उस पर, विच अट्रैक्ट वाटर इन द इवेंट्स ऑफ रेन, जो क्या करती है अट्रैक्ट करती है वाटर को इन द रेन, जब भी बारिश होती है तो उस पानी को अट्रैक्ट करती है। द वाटर देन बिकम द की कंपोनेंट इन हीलिंग द क्रैक, तो उसी वाटर को वो यूज़ करती है, वो की कंपोनेंट है तो रोडों को हील करने के लिए। वेन एवर द क्रैक अपीयर दिस वाटर गिव हाइड्रेशन कैपेबिलिटी, तो जब भी कोई क्रैक होता है तो ये वो जो पानी है ये इसके अंदर हाइड्रेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो ये भी जो भी अनहाइड्रेटेड सीमेंट वहाँ पर जो होता है, जो कि हमने 40% लिया है, ये उसके साथ मिक्स होकर दोबारा से उसे सिलिकेट बना देता है, जो बहुत ज़्यादा सिलिकेट बना देता है जितना ज़्यादा पानी हो, विच एक्चुअली क्लोज द क्रैक बिफोर दे ग्रो लार्जर। तो इस तरीके से अगर क्रैक बड़े होने वाले होते हैं उनको पहले ही उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी। तो दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट इन्वेंशन की तरफ, जो कि है लो कॉस्ट विंड टर्बाइन। जी हाँ, विंड टर्बाइन बनाए गए हैं जो कि बहुत कम कीमत के हैं। किसने बनाए हैं, दो सिबलिंग्स थे अरुण एंड अनूप, केरला के दो थे सिबलिंग्स, इन्होंने बनाए हैं लो कॉस्ट विंड टर्बाइन। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन जनरेट एनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर एन एंटायर होस फॉर ए लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम के लिए पूरे घर को ये पावर सप्लाई कर सकते हैं। द साइज ऑफ ए सीलिंग पैन दिस विंड टर्बाइन कैन जनरेट 5 kW/hr/kW/day एंड कॉस्ट लेस देन एन आईफोन। इतनी कम कीमत है इनकी, एक आईफोन से भी कम कीमत है इनकी, ठीक है, और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके घर को
एनर्जी पावर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस कंपनी लॉन्च इस पायलट प्रोजेक्ट एट ए चर्च इन द कैपिटल सिटी ऑफ थिरुवनंतपुरम। तो जनवरी में इन्होंने थिरुवनंतपुरम में अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट लगाया है। ये प्रोजेक्ट जो था इनका पहला प्रोटोटाइप ही इन्होंने बनाया है। उसके अलावा ये जो स्मॉल विंड टर्बाइन प्रोटोटाइप है ये 300 किलोवाट और इससे भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, दिस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैज़ आल्सो वॉन देम अ स्पॉट इन द टॉप 20 क्लीन टेक टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया। तो इनको अवार्ड भी मिला है इन दोनों सिबलिंग्स को, जो टॉप 20 हर साल एक इनोवेशन यहाँ पर होती है इनोवेशन, अगर कोई इनोवेट करता है कुछ ऐसे इन्वेंट करता है अगर आपको उस पर पेटेंट मिल रहा है तो यहाँ पर क्लीन टेक टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम होता है उसमें इनको प्राइज भी मिला है। तो दोस्तों एक और इन्वेंशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है, ड्यू ड्रॉप वाटर फ्रॉम द एयर कंडेंसर। जी हाँ, देखिए हम एयर के बारे में जानते हैं, एयर में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मॉइस्ट एयर होती है, एक तो ड्राई एयर होती है। मॉइस्ट एयर में क्या होता है, उसमें एयर के अलावा मॉइस्चर कंटेंट होता है, उन्हीं मॉइस्चर कंटेंट से वाटर बनाया जा सकता है। तो जावद पटेल जो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, हैदराबाद से थे, उन्होंने एक ऐसा 3D प्रिंटिंग की बेसिस पे एक ऐसा ऑपरेटर्स बनाया है जो कि हवा से पानी बना सके। ठीक है, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एशिया टू डू सो एंड हिज ऑपरेटर्स विच कैन क्रिएट वाटर फ्रॉम द ईयर। द वाटर ऑपरेटर्स प्रोड्यूस प्योर ड्रिंकेबल वाटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सेंसर इंटरफेस विद द अल्ट्रावायलेंट फिल्टर इन एन आवर। The device can extract nearly 1.8 liters of the water from air. तो 1.8 liters of water एक घंटे में वो पानी दे सकता है। तो इसे कहा जाता है dew drop. This device uses the moisture in the air to create the water. It is also not Patel's first attempt to create a novel device. उससे पहले उसने एक स्मार्ट हेलमेट भी बनाया था, तो इसने बहुत सी इनोवेशन की है। उसके अलावा इसको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है, इसको नॉमिनेट किया गया था नेशनल यूथ अवार्ड के लिए 2015 से 2016 के बीच में। उसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्सेलेंस अवार्ड के लिए 2016 में से दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सी इन्वेंशन हुई है, जैसे कि यूनिक वेस्ट डिस्पोजेबल बिन बने हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना। तो ये जो बिन्स बनाए गए थे वो किसने बनाए थे, गंगा नारायण घोष ने बनाए थे, वो के 87 ईयर्स के थे, मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने ये बिन जो थे डस्टबिन समझ लो ये डिज़ाइन किए थे। ठीक है, होस हाउस होल्ड के लिए अलग से किया था, फैक्ट्री के लिए अलग किया था, जहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उनके लिए अलग से किया था। तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं वो शेयर नहीं करूँगा। अब होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल भी होगी आपके लिए। तो दोस्तों अगर जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि